आज आज हम हिंदी में पार्ट 6 की एक्सरसाइज करेंगे, आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, सबसे पहले है दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखिए। यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया है, इसमें से आपको एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखने हैं। थालियाँ, थालियाँ क्या हैं? बहुवचन। ताले बहुवचन। घड़ी एक वचन। लताएँ बहुवचन। महिला एक वचन। शाखाएँ बहुवचन। तितली एक वचन। कविता एक वचन। बकरी एक वचन। और कपड़े बहुवचन। इसमें हमें करना है कि दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक वचन में दिया है और इन्हें हमें बहुवचन में बदल करके यहाँ पर फिल करना है। डैश ने नृत्य किया, लड़की से क्या बनेगा? लड़कियों ने नृत्य किया। राधे की डैश का स्वभाव बहुत अच्छा है, राधे की बहन बहनों। डैश क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चा बच्चे। पेड़ पर डैश खिलते हैं फूल, और फूल का बहुवचन क्या होगा? फूल। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, एक वचन से बहुवचन में बदलना है। कन्या कन्याएं। मिठाई मिठाइयाँ, यहाँ पर बड़ी ई है तो यहाँ पर छोटी ई हो जाएगी। गायें गायें। दिशा दिशाएँ। घोड़ा घोड़े। नदी नदियाँ। माता माताएँ। बहू बहुएँ। आओ कुछ करें, मैं आपको ये एक वर्ग पहेली दी है, इसमें से आपको एक वचन शब्द चुनकर लिखने हैं और उनके बहुवचन हमें स्वयं बनाने हैं। तो यहाँ पर दिया है चूहा, हमने एक वचन में लिखा और चूहा से बना चूहे। तितली से तितलियाँ। बकरी बकरियाँ। और दिशा, ये रहा दिशा, दिशा से दिशाएं। कली कली से कलियां। नदी नदियां। और टहनी, टहनी से क्या बना? टहनियां। यहाँ पर चित्रों में से एक वस्तु है, जो एक वस्तु है उन्हें एक के स्थान और जो अनेक है उन्हें अनेक के स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ पे हमने एक और अनेक के बॉक्स दिए हैं। यहाँ पर लिखना है औरत क्या है, एक है या अनेक है? एक। गुलाब ये फूल है, जो ये फूल भी क्या है? एक है। ये पक्षी है, ये भी एक है। बकरी है, बकरी भी एक है। सेब सेब भी एक है। और इसके बाद तोते, और ये कुत्ता भी एक है। इसके बाद ये पुस्तकें, ताले, चिड़िया और लड़के, और ये बंदर, बंदर क्या है? एक है। और ये अनेक में आ जाएगा और ये एक में आ जाएंगे। आगे इन्होंने बोला है किताब और किताब के पृष्ठों में से कौन एक वचन और कौन बहुवचन है। किताब एक है और किताब के पृष्ठ होते हैं पेज, कितने हैं? पेज ज़्यादा हैं, पेजेस पृष्ठों। तो एक वचन में किताब और बहुवचन में किताबों के, किताब के पृष्ठ। फिर है आपके मित्र, मित्रों की संख्या एक वचन में है या बहुवचन में। अगर आपका कोई एक मित्र है तो आप एक वचन लिखेंगे, और ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा मित्र हैं आपके, तो आप बहुवचन में लिखेंगे। आगे इन्होंने कहा है आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक और अध्यापक में से कौन एक वचन और कौन बहुवचन में है। तो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक होते हैं, और जो टीचर्स होती हैं वो अनेक होती हैं। तो एक वचन में प्रधानाध्यापक और बहुवचन में अध्यापक। तो ये आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज फिल करनी है और आपको इसे लर्न करना है। ओके, थैंक यू।